हेलो क्लास 11, इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरी को, दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इन शॉर्ट में हम इसे बोलते हैं VSEPR, ठीक है, VSEPR थ्योरी। सो जैसे कि आपको यहां से नाम से ही पता चल रहा है कि यहां पर क्या है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में, जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर बनते हैं उनके बीच में क्या है, रिपल्शन, एंड उसी रिपल्शन पे बेस्ड है ये थ्योरी। सो इसके पहले जैसे कि अभी हमने इसके प्रीवियस लुईस एंड कौशल सर की थ्योरी पढ़ी थी, जो कि जिन्होंने बहुत सारी चीजें हमें बताई कि किस तरीके से बॉन्ड्स बनते हैं, क्या क्या फिनोमेनन हो सकते हैं, बट उन्होंने क्या नहीं एक्सप्लेन किया, तो वो नहीं एक्सप्लेन किया था शेप, ये उन्होंने किस तरीके का वहां पर स्ट्रक्चर है, किस तरीके का शेप हो सकता है, वो उन्होंने नहीं बताया था इन लुईस कौशल थ्योरी में। तो इन VSEPR थ्योरी या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन में हम पढ़ेंगे अबाउट द शेप। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, थ्योरी है, ये है शेप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि ऐसे स्ट्रक्चर्स जहां पर आपको कोवेलेंट मॉलिक्यूल या कोवेलेंट बॉन्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, उनमें किस तरीके का, किस तरह का शेप हो सकता है, वो सारी चीजें हमें पढ़नी है इन दिस थ्योरी। ओके, सो कुछ अदर इंफॉर्मेशन अबाउट दिस, की जो थ्योरी थी वो दी थी किसने, ये थ्योरी दी थी सेड्रिक एंड पॉवेल ने, सेडविग एंड पॉवेल ने इन 1940। सो जिन्होंने ये थ्योरी दी और उन्होंने बताया अबाउट द शेप ऑफ अ कोवेलेंट स्ट्रक्चर, बट इनमें कुछ कुछ क्या, जिस एक पॉइंट में थोड़ी सी चेंजेस थी, प्रॉब्लम थी, जिसे फर्दर आगे जाके एक और साइंटिस्ट आए, दैट इज नायलॉन एंड गिलस्पी 1957। इन्होंने थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन किया था इस थ्योरी में, तो जो आपको यहाँ पर बेसिकली पढ़ना। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कुछ प्रोस्टुलेट, यानी कि कुछ जो ये थ्योरी हमें बताना चाहती है वो प्रोस्टुलेट यहाँ पर उन्हें बताए, कुछ रूल्स या कुछ बेसिक थ्योरीज पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि अकॉर्डिंग टू सिडविग एंड पॉवेल के अकॉर्डिंग जो रिपल्शन है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर में रिपल्शन है, वो किस तरीके से वर्क करता है। सो फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट इन्होंने क्लियर किया कि जो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल है, किसी भी मॉलिक्यूल का शेप है वो डिपेंड करता है ऑन द इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस शेल ऑफ या फिर अराउंड सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल एटम है उस सेंट्रल एटम के सराउंडिंग्स में जो भी वैलेंस शेल वर्क कर रहा है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं, हम यहां पर नॉन बॉन्डेड और बॉन्डेड दोनों ही बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, बट जो हम बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड की बात कर रहे हैं वो किसके करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल एटम के, मतलब सेंट्रल एटम के चारों तरफ या सेंट्रल एटम के आसपास जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, या वो बॉन्डेड है या नॉन बॉन्डेड है, उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है किसी भी मॉलिक्यूल का शेप। ठीक है, तो जैसे कि अगर एक एग्जांपल ले लिया मैंने NH3 का, आप एग्जाम्पल ले लो, यहां पर है NH, lone pairs, ठीक है? तो ये क्या है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्डिंग में उसने यूज किया है, ये क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। सो बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एक सेंट्रल एटम के अराउंड में जो है वही डिसाइड करते हैं शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल। अगर हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट है या ऐसा कोई मॉलिक्यूल है जिसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट्स ज्वाइन हुए, फॉर एन एग्जाम्पल HCl, HF, इसमें क्या होगा, इसमें कौन सेंटर में है कौन सेंटर में नहीं। सो आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो डायटोमिक एलिमेंट्स है वो उनका बेसिकली शेप कैसा होता है, लीनियर, उनका शेप लीनियर होता है, यानी कि दोनों कुछ इस तरीके से अरेंज होंगे, HF इस तरीके से अरेंज है, तो एक लीनियर शेप है यहाँ पर, सो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। बेसिकली जो पॉलीएटॉमिक एलिमेंट्स है, दैट मीन जिनसे थ्री या थ्री से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में ज्वाइन होकर जब स्ट्रक्चर बनाते हैं,
तो वो जो स्ट्रक्चर डिपेंड करेगा वो ही बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स पर ही, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर पर ही डिपेंड करेगा कि किस तरीके से यहाँ पेयरिंग हुई है। और अदर जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, जो भी बॉन्डेशन बॉन्डिंग उन्होंने नहीं की है, वो किस तरीके से यहाँ पर लगे हुए, वही डिसाइड करते हैं शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। नेक्स्ट, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी वैलेंस शेल में जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद है बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड, ये क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को रिपल करते हैं, रिपल्शन वहां पर फील होता है। रिपल्शन क्यों होगा, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, बेसिकली अगर हमारे पास एक ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, आफ्टर दैट शेल एंड शेल, एंड फॉर एग्जाम्पल मानते हैं कि ये वाली जो शेल है ये क्या है, इसकी वैलेंस शेल, ये इसकी एक वैलेंस शेल है। सो जब भी क्या होगा कि अगर इस वैलेंस शेल में एक नया इलेक्ट्रॉन आएगा, जैसे ही इस वैलेंस शेल में एक नया इलेक्ट्रॉन आया, सो जो भी इलेक्ट्रॉन, एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल सिक्स है, यहाँ पर सिक्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पहले से थे और वो अपने एक ऑर्बिट में किसी भी तरीके से राउंड लगा रहे थे। नेक्स्ट एक और इलेक्ट्रॉन आया, सो एक और इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पर आएगा, सो ये सब क्या है, ये सब नेगेटिवली चार्ज है, सब के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स 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 इलेक्ट्रॉन्स, ये तो अभी आया, ये भी नेगेटिव चार्ज, तो पहले से ही यहाँ पर एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड में और इलेक्ट्रॉन्स आएंगे विद देयर नेगेटिव चार्ज, तो वहां पर एक रिपल्शन फील होता है। मैंने अभी एक इलेक्ट्रॉन डाला, थोड़ा सा रिपल्शन बढ़ेगा, मान लीजिए एक और इलेक्ट्रॉन आएगा वो भी यहां पर आकर ऐड हो जाएगा। सो अब क्या है, जो पहले की कंडीशंस थी उसमें वो कंप्लीट नहीं थे, ऑर्बिटल उनका कंप्लीट नहीं था बट स्टेबल नहीं थे, बट फिर भी एक वो अपनी नॉर्मल कंडीशंस में मूव कर रहे थे। अब उसी कंडीशंस में दो और इलेक्ट्रॉन आ गए और हमें तो ये पता है ना कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्शन करते हैं, सो जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, रिपल्शन फील होगा। सो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं जो कि बाउंडेड है या नॉन बाउंडेड है, बेसिकली वैलेंस शेल की बात करें तो फिलहाल यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है उनके बीच में, जो नॉन बाउंडेड है उनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। रिपल्शन क्यों होता है, बिकॉज उन सब पे सेम चार्जेस है, सेम नेगेटिव चार्ज आपको यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट, अभी जो हमने दो पॉइंट्स डिस्कस किए, फर्स्ट ये कि जो भी स्ट्रक्चर है वो बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, एंड बेसिकली जो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स पेयर है उनके बीच में रिपल्शन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया कि जब रिपल्शन हो रहा है, जब एक शेल के अंदर कुछ न्यू इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई दे रहे और उस न्यू इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो पुराने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, इनमें क्या हो रहा है, इनके बीच में आपको एक रिपल्शन देखने को मिलेगा। सो अब ये क्या करते हैं, अब ये एक ऐसी पोजीशन या एक ऐसा पोस्चर कह लो या एक ऐसा स्टेबल कंडीशन में आने की कोशिश करते हैं जिससे क्या हो जाए, जो रिपल्शन है वो मिनिमाइज हो जाए, रिपल्शन बहुत कम लगे। ऐसा तो कर नहीं सकते कि इसको हम यहां से रिमूव कर दे, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन आया है सो वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आया है, उसके जो जितने भी एक इलेक्ट्रॉन्स वहां पे होने चाहिए उनको कंप्लीट करना है उसे यहाँ पर, इसीलिए वो आया है। बिकॉज और ये आया भी है बेटा तो वो किसी शेल को छोड़कर आया है, शेल को वो छोड़कर तभी आएगा जब उसके पास एनर्जी उसको आपने प्रोवाइड की है या वो और स्टेबल होना चाहता है या फिर बहुत रिएक्टिव है। सो जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गया, अब इसको यहाँ से रिमूव तो कर नहीं सकते, सो ऐसा क्या करें कि इसका जो रिपल्शन है वो मिनिमाइज हो जाए, कम से कम रिपल्शन यहाँ पर फील हो हर एक इलेक्ट्रॉन को। सो ये क्या करते हैं, इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए डिस्टेंस को थोड़ा सा इलाज कर देते हैं, या फिर डिस्टेंस है जो दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में आपको डिस्टेंस दिख रही है उसको थोड़ा मैक्सिमाइज कर देते हैं, मतलब मैक्सिमम लेवल तक जहां तक ये अपने आप को इंक्रीज कर सकते हैं उस लेवल तक ये क्या करते हैं, डिस्टेंस को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं ताकि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं प्रीवियस एंड जो नए इलेक्ट्रॉन्स आए हैं उनके बीच में रिपल्शन कम लगे। और अगर रिपल्शन कम लगेगा, रिपल्शन यहां पर कम फील होगा, तो वो क्या होंगे, एक
प्रॉपर स्टेट में रह पाए। सो थर्ड पॉइंट यहाँ से क्लियर होता है कि ऐसी पोजीशन में वो क्या करते हैं, रिपल्शन को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं एंड रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए वो अपने बीच में डिस्टेंस को बढ़ा लेते हैं एंड डिस्टेंस को बढ़ाने की वजह से रिपल्शन यहाँ पर कम लगता है। नेक्स्ट, जो भी वहां पर डिस्टेंस मेंटेन करनी है, दो इलेक्ट्रॉन्स को अपना रिपल्शन कम करने के लिए डिस्टेंस जो मेंटेन करनी है वो सबसे अच्छे तरीके से कब मेंटेन होगा, जब एक वैलेंस शेल कैसी हो जाएगी, एक स्फेयर में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट? बिकॉज जो अगर कोई भी सेल है वो स्फेयर में अगर कन्वर्टेड है सो वहां पर सिमेट्री ऐसी कोई बात तो है नहीं। सिमेट्री जैसे इन द सेंस कि अगर हम यहाँ पर एक स्क्वायर का यूज कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हमने एक सिंपल स्क्वायर यहाँ पे बनाया, अब मैं क्या बोलूँ आपसे, या फिर एक रेक्टेंगल बना दूंगे। सो अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि हम बॉन्डेड हैं, इतने से इतने सिचुएशन में हम जा सकते हैं, या फिर यहाँ पर एजेस है, वो वाली चीजें यहाँ पर है। बट अगर आप एक स्फेयर को बनाओ तो स्फेयर क्या है, वहां पर सिमेट्री जैसी कोई चीज नहीं है एंड नॉर्मल हर तरफ से, यानी कि अगर वो पहला स्फेयर ऐसे था और वो क्या कर रहा है, उसको इनलार्ज होना है, तो वो अपने आप को थोड़ा सा इनलार्ज कर सकता है एंड प्रॉपर उसकी सिमेट्री एंड अदर फंक्शन से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन्स है, उन जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिससे कि रिपल्शन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फोर पॉइंट्स को कवर किया। फर्स्ट जो हमने देखा था कि जो बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है उनके ही ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, जब न्यू इलेक्ट्रॉन्स वहां पर आते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की वजह से, नेगेटिव चार्ज होने की वजह से आपको रिपल्शन मिलेगा। रिपल्शन को कम करने के लिए वो एक ऐसा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं या ऐसी पोजिशन ऑक्यूपाई करते हैं ताकि रिपल्शन कम से कम हो जाए। और सबसे कम रिपल्शन उनको किस फेज में दिखाई देता है, जब वो अपने आप को एक स्फेयर में कन्वर्ट कर लेते हैं, एक स्फेयर पोजिशन ले लेते हैं और इसी स्फेयर पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मूव करते हैं, इसी स्फेयर पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को लोकलाइज करते हैं ताकि वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करके रखें। क्यों? बिकॉज जब स्फेयर है सो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअस मूव कर रहे हैं, कंटिन्यूअस आपस में यहाँ पर मूव कर रहे होते हैं एंड जब वो स्फेयर के फॉर्म में अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं तो एट दैट टाइम वो प्रॉपर डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, जिससे वो जो रिपल्शन है वो मिनिमाइज रहे, रिपल्शन कम रहे और मैक्सिमम डिस्टेंस उन सबके बीच में हो। सो अभी हमने फोर पॉइंट यहाँ पर कवर किया। फिफ्थ पॉइंट जहां पर ये बता रहे कि अगर मल्टीपल बॉन्ड्स है, मल्टीपल बॉन्ड्स यानी कि अगर सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है कहीं पर, दैट मीन्स कि अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड वर्क कर रहा है, सो एट दैट टाइम हम उनके पोजीशंस में इन सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स का ऐसे कोई रोल प्ले नहीं होता और इन सबको हम इंक्लूड करते हैं एज अ सिंगल सुपर पेयर, ठीक है, या फिर एक सिंगल सुपर बॉन्ड की तरह हम इसे यहां पर देखते हैं। किस तरीके से देखते हैं इसे, हम देखते हैं सिंगल सुपर बॉन्ड। अब ऐसा हम क्यों देख रहे हैं, हम इसे सिंगल सुपर बॉन्ड क्यों बोल देते हैं, बिकॉज अगर दो है, यानी कि अगर मैं आपको बोल दूं कि एक दो कार्बन है और दो कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है, एक बॉन्ड ये और एक बॉन्ड ये दो बॉन्ड के बीच में, दो कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड दिख रहे। अब ये जो दो बॉन्ड है बेटा ये प्रॉपर होल्डेड है, ठीक है, एक ये कार्बन, एक ये कार्बन और उसके बीच में आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर क्या है, ये दोनों ही डबल बॉन्ड एक तरीके से इससे द्वारा अटैच है, दूसरे इससे द्वारा अटैच है, तो इनमें रिपल्शन का कोई फील ही नहीं है या रिपल्शन की कोई थ्योरी यहाँ पर वर्क नहीं करेगी। बिकॉज अगर इनमें रिपल्शन होता तो ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म ही नहीं होते, और अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हुए हैं दैट मीन्स इस कंडीशन में ये सबसे ज्यादा स्टेबलाइज है, इसलिए इसने डबल और ट्रिपल बॉन्ड बना लिए। और बिकॉज इन डबल और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से आपस में तो कोई रिपल्शन यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में नहीं मिलेगा, बट यस साइड्स के जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं या इसके साइड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर इस डबल बॉन्ड का थोड़ा बहुत इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इसलिए ये सारे बॉन्ड्स को, वो सिंगल हो, डबल हो या ट्रिपल हो, हर बॉन्ड को वो सिंगल सुपर बॉन्ड मानते हैं और उन्हीं की पोजीशन के हिसाब से हम इसे यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन पेयर को ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर, यानी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में जैसे हमने आपको बताया था कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे हो सकते हैं,
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जैसे हम अगर O3 का एग्जांपल ले, सो दो यहाँ पर कॉमिकल स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं और देन उनसे एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। सो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो या मोनिकल स्ट्रक्चर्स हो, इन दोनों ही स्ट्रक्चर्स पे जो BSPR थ्योरी है वो वर्क करती है। बिकॉज मेनली उसको मतलब किस बात से, मेनली उसको मतलब है तो बॉन्डेड एंड नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन से है। उसके अलावा उसे इस थ्योरी से पोजिशंस या स्ट्रक्चर से कोई स्ट्रक्चर इन द सेंस पोजिशन या कौन कौन से एलिमेंट आपने यूज किए इस बात से उन्हें मतलब नहीं है। और अगर आप यहाँ पर देखो तो इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। जितने भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है उतने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है, जितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे उतने ही नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पर भी उतने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। सो इस तरह के आपको दिखाई दे रहा है कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या फिर जो कोनिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं उन पर भी ये थ्योरी अप्लाई होती है। बिकॉज बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ आपको एडअप करना है, बाकी कितने भी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो या कितने भी ज्यादा कोनिकल स्ट्रक्चर्स हो उनका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बिकॉज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने भी ज्यादा क्यों ना हो उन सबकी एनर्जी एक होती है, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक होते हैं, उनके बॉन्ड एक होते हैं, बॉन्ड पेयर्स एक है और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स पेयर भी एक ही जैसे होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द रिपल्शन की थ्योरी पर अगर हम जितने भी हमने बॉन्डेड एंड नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर यूज किया है उसके अकॉर्डिंग एक ऑर्डर बनाए तो वो किस तरीके से होगा। सो फर्स्ट पहले मैं आपको ये बात बताऊं बेटा कि अगर कोई सब्सटेंस कोई स्ट्रक्चर जैसे और वाटर, यहाँ पर क्या है कि एच, यहाँ पर ये H, ऑक्सीजन के पास अभी भी उसके दो लोन पेयर्स हैं, ठीक है, अभी भी उसके पास जो दो लोन पेयर यहाँ पर मौजूद है और एक्चुअली में ये जो दो लोन पेयर्स हैं इन दो लोन पेयर्स के ऊपर बहुत ज्यादा रिपल्शन फील होता है। क्यों? बिकॉज अगर आप इस इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो ये इलेक्ट्रॉन एक इसके पास है और एक इसके पास है, इस हाइड्रोजन के पास है। ये जो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटली ऑक्सीजन के पास तो कभी जाएगा नहीं, राइट? वो यस ऑफ कोर्स अगर हम आप उसकी जब शेल को काउंट करेंगे, यानी कि हम जब ऑक्सीजन के शेल को काउंट कर रहे हैं सो हम इस पूरी शेल को ऑफ कोर्स काउंट करेंगे ताकि उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाए, बट वो अभी भी इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, वो हाइड्रोजन से अलग नहीं हुआ है। सो इसलिए जो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है उसकी वजह से मैक्सिमम रिपल्शन नहीं लग सकता क्योंकि वो दो इलेक्ट्रॉन्स दो एलिमेंट्स के बीच में है, ना वो कम्प्लीटली इस ऑक्सीजन के पास है ना ही वो कम्प्लीटली इस हाइड्रोजन के पास है, वो सेंटर में या सेंटर से थोड़ा सा शिफ्टेड है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी वजह से जो बॉन्डेड पेयर है वो बहुत ज्यादा रिपल्शन इस ऑक्सीजन के में भी नहीं देंगे, बहुत ज्यादा वो हाइड्रोजन को भी रिपल्शन नहीं देते। सो मैक्सिमम रिपल्शन एक्चुअली में दे कौन रहा है, मैक्सिमम रिपल्शन देते हैं ये लोन पेयर्स, बिकॉज ये लोन पेयर्स उस शेल में या उस सेंटर ऑर्बिटल में मौजूद हैं और सेंटर ऑर्बिटल में मौजूद होने के लिए ये पहले कोशिश करते हैं कि क्या करें, किसी तरीके से एडजस्ट या ऐसी पोजिशन ऑक्यूपाई कर ले ये जो लोन पेयर्स है वो शिफ्ट हो जाए और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ से रिमूव हो जाए। बिकॉज जब भी क्या होता है कि ऑक्सीजन, अब आगे जितने भी रिएक्शंस पढ़ोगे अगर उसमें ऑक्सीजन है सो वो क्या करते हैं, ऑलवेज जो लोन पेयर है वो जाकर किसी और के साथ रिएक्शन कर लेता है और जैसे ही लोन पेयर रिएक्शन करेगा तो प्रीवियस बॉन्ड वहां पर टूट जाता है, ठीक है। सो ऑलवेज जो रोल लोन पेयर्स होते हैं वो मैक्सिमम रिपल्शन शो करते हैं एक दूसरे के साथ और जो नॉन जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है उनके बीच में आपको बहुत कम रिपल्शन मिलेगा। वो क्यों मिलेगा? बिकॉज ये दो अलग अलग एलिमेंट के साथ अटैच है, ना वो कम्प्लीटली ऑक्सीजन का है ना वो कम्प्लीटली हाइड्रोजन का है, एक सेंटर में अटैच होते हैं जिसकी वजह से रिपल्शन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स में कम होता है। सो लोन पेयर एंड लोन पेयर, यानी अगर दो लोन एलपी मॉलिक्यूल लोन पेयर एंड लोन पेयर के बीच में मैक्सिमम रिपल्शन होता है, आफ्टर दैट एक लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में आपको रिपल्शन देखने को मिलेगा और सबसे लीस्ट आपको रिपल्शन देखने को मिलेगा वो है बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच में। तो मैक्सिमम रिपल्शन हम देखेंगे बिटवीन द लोन पेयर एंड लोन पेयर,
उससे थोड़ा सा कम हमें देखने को मिलेगा लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, और सबसे कम या कंपैरिजन टू दिस ऑर्डर सबसे कम आपको देखने को मिलेगा बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर्स के बीच में। सो ये है ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। तो यहां पर हमने जो VSPR थ्योरी ने जितने ही पॉइंट्स बताए थे उन्हें हमने कवर किया, बट जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आफ्टर दैट इन सम साइंटिस्ट दैट इज निहोलन एंड गिलिवस वहां पर आए थे और उन्होंने एक चीज यहाँ पर बताई थी। एक्चुअली उन्होंने बताया था अबाउट, सो उन्होंने ये बताया कि एक्चुअली जब इन्होंने स्टार्टिंग में सिड्रिक एंड पावल ने जब ये बताया था कि वहां जो शेप होता है शेप डिसाइडेड होता है बाय द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स से, नॉन बॉन्डेड यानी कि लोन पेयर और बॉन्डेड दैट मींस इलेक्ट्रॉन पेयर जिन्होंने क्या किया है बाउंडिंग की है। सो जब ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं तो ये कैसे डिसाइड होगा कि नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं एंड बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं किसी भी सेंट्रल एटम या किसी भी एटम के जो नॉन बॉन्डेड एंड बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स या फिर उसकी वजह से जो लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन पेयर आपको वहां पर दिखाई दे रहा है। सो ये कैसे डिसाइड होगा कि किसी का शेप किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर पे डिपेंड है या लोन पेयर पे डिपेंड है। सो ये यहां से एक और उन्होंने फिनोमेनन बताया कि जैसे कि पहले हमने बताया हुआ है कि जो भी शेप है वो सेंट्रल एटम पे डिपेंड कर रहा है यानी ऑक्सीजन विथ 2H और इस यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के जो बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है उनके ऊपर ये सिचुएशन अप्लाई होती है। ठीक है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के और यहाँ पर दो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, तो ये जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है इनके बीच में भी हमें क्या मिलेगा एक रिपल्शन देखने को मिलता है और इस रिपल्शन की वजह से ये क्या होते हैं थोड़ा और रिपल्शन इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स पे भी फील करवाते हैं जिससे बॉन्ड एंगल में क्या होता है चेंज आता है। और जो ये लोन पेयर्स है वो मैक्सिमम रिपल्शन शो करते हैं और ट्राई करते हैं मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए। ठीक है, मतलब इन्होंने जो प्रीवियस अभी आपने सर्विक एंड पवाल वाली थ्योरी पढ़ी उन्होंने सिर्फ इतना कह दिया था कि नॉन बॉन्डेड और बॉन्डेड, नॉन बॉन्डेड बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आप देखिए आपको स्ट्रक्चर शेप मिल जाएगा, बट एक्चुअली जो ऑर्डर आपने देखा कि जो नॉन बॉन्डेड है वो तो बहुत ज्यादा रिपल्शन शो कर रहे और बॉन्डेड उतना रिपल्शन शो नहीं करते। सो ये कैसे डिसाइडेड होगा कि कोई जो स्ट्रक्चर है वो बॉन्डेड से है या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बना हुआ है, तो यहां पर आपको ये देखना है कि जब जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत कम रिपल्शन शो करते हैं और उसकी कंपैरिजन में जो बॉन्डेड है वो मैक्सिमम रिपल्शन शो करते हैं ताकि वो मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई कर सके। सो यहाँ पर जो VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया उसमें दो तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, एक ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें सेंट्रल आइटम में कोई लोन पेयर ना हो, बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि हर एक एलिमेंट्स के पास अपने लोन पेयर्स होते हैं, नहीं ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ पर दो शेप्स को उन्होंने डिवाइड किया, फर्स्ट ऐसे शेप्स बताए जिसमें जो सेंट्रल एटम है उसके पास कोई लोन पेयर ना हो, नो लोन पेयर, ठीक है, मतलब उसके पास कोई लोन पेयर नहीं है तो उसका स्ट्रक्चर अलग तरीके से फॉर्म होगा। एंड वही कुछ ऐसे भी होंगे सेंट्रल एटम जिन पर लोन पेयर होता है, सो आगे जाके VSEPR थ्योरी ने दो चीजों के दो तरह के मॉलिक्यूल्स को बताया, एक ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है उनका जो स्ट्रक्चर है वो टोट, अब आप बताओ उनके ऊपर कोई लोन पेयर है नहीं, कोई लोन पेयर नहीं है, अगर लोन पेयर है नहीं सो उनका जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड होगा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉन्स पेयर के ऊपर, है ना, वो तो बिल्कुल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स वहां पे लोन पेयर है ही नहीं तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अप्लाई होगा, और अगर लोन पेयर वहां पर है सो अब यहां पर जो बॉन्ड्स बनेंगे या फिर यहां पर जो स्ट्रक्चर्स फॉर्म होंगे उसका जो शेप होगा वो नॉन बॉन्डेड
और बॉन्डेड, दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स, दोनों ही तरह के जो बॉन्ड पेयर है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स पेयर है उनके ऊपर डिपेंड होगा. ओके, सो इस वीडियो में हमने पढ़ा अबाउट देयर सम रूल्स, सम थ्योरी जो भी उन्होंने बताई थी. एंड आफ्टर दैट, इन नेक्स्ट वीडियो हम इस थ्योरी पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे, जिससे ये आपको और अच्छी तरीके से समझ